पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोरखपुर पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी और बिक्री करने वालों को गिरफ्तार कर खुलासा किया। जनपद में हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांडे और सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे के मार्गदर्शन में नशीले पदार्थों की तस्करी को पकड़ने के नशीले पदार्थ बरामद करने के लिए थाना चिलवा ताल के प्रभारी सूर्यभान सिंह के द्वारा टीम गठित की गई। इस दौरान पुलिस ने नशीले पदार्थ का अवैध कारोबार करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांडे ने बताया कि थाना चिलवाताल पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी और बिक्री में संलिप्त दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के पास से बिहार और बंगाल से तस्करी किया हुआ 10 किलो के आसपास का नशीला पदार्थ जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये है बरामद हुआ। अवैध नशीले पदार्थों को पूर्वांचल के जनपदों में बेचकर युवाओं को नशे का आदि बनाते थे। अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल और 1 स्कूटी भी बरामद हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों में हिमांशु द्विवेदी निवासी तरकुलवा बाजार और सोमनाथ चौहान निवासी बड़ी मोहरीपुर का रहने वाले हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज रोहन प्रमोद बोत्रे और पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे ने बताया। किलो है 10.5 किलो से ज्यादा है। खाली है। इधर भारी मार्क करना विकलांगों की आड़ में ही धंधा कुछ ज्यादा होगा। बहुत जबरदस्त। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे लेकिन स्टेट से मध्य प्रदेश से भी आता है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती होती है। ये मीडिएटर था, एक से खरीदा दूसरों को सप्लायर्स को दे दिया, छोटे छोटे जो सप्लायर्स हैं उसको दे दिया, पैसा कलेक्ट कर लिया, मेन मालिक को पहुंचा दिया, ऐसा कमीशन कर दिया। अच्छे ग्रेड के कर्मचारी छोटे छोटे पुड़ियों में बेचते थे ये लोग। अब तक हमें लग रहा है कि पूरे शहर में ये नेटवर्क होगा इनका, क्योंकि इनके जो मेन लोग हैं वहाँ भागे हुए हैं, उनके नाम हमें सामने आए तो जैसे ही कोई भी उनका सुराग मिलता है गिरफ्तार होंगे। हाँ, ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सप्लायर्स हैं, मीडिएटर्स भी बहुत हैं इनके बरगदवा। कि कुछ लोग जो है गांजे के अवैध कारोबार में लिप्त हैं और पुड़िया बना के बेचते हैं, तो इस सूचना पे कार्रवाई की गई। तो ये हमारे चौकी इंचार्ज बरगदवा एसोचित तिलोताल ने काफ़ी उत्साह से काम किया, तो इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक तो जी ये हिमांशु द्विवेदी हैं, ये जो है विभिन्न जगहों पर माल पहुँचाने का काम करते हैं। दूसरे जो सज्जन हैं आपके ये चौहान, ये जो है दुकान करके जो है छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचते थे। इन दोनों लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से जो आप लोग देख रहे हैं 2 मोबाइल और भारी मात्रा में जो गांजा बरामद हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुराग लग रहा है कि अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ में लिप्त हैं। अब उनको पकड़ के जो इस पूरे गैंग को जो हम लोग बस्ट करेंगे और इस कारोबार को जो है एकदम नेस्तनाबूद करेंगे, ऐसा हम लोग का इरादा है। और प्रारंभिक सफलता मिली है, इसलिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये 10 kg 600 ग्राम है। मार्केट वैल्यू इस समय जो है इसकी 1 लाख रुपए के तकरीबन है। लेकिन मार्केट वैल्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ये लोग जो है अवैध कारोबार करके लोगों को जो है गलत रास्ते पर नशे का आदि बना रहे हैं। यूथ यंगस्टर्स को पर्टिकुलरली इस दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण है। ये मोस्टली देखिए बिहार और बंगाल से जो है ये अपने एरिया में जो ले कर आते हैं, जो इन समूह का नेटवर्क होता है और ये पूर्वांचल के जनपदों में ही सप्लाई करते हैं। इनका भी यही नेक्सस है। अब एग्जैक्टली तो जो इनका किंग पिन है उसको हम पकड़ेंगे, कुछ नाम सामने आ रहा है तो अभी जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा।